जो स्थिति है आज के दिन में वो हमारे हाथ में उसके आने वाले साथी बहुत साफ बताए। और ये लड़ाई हस्तियों का आज पिछले 10-12 साल से चल रहा है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मध्य प्रदेश का जिसको ऊर्जा राजधानी बोला जाता है सिंगरौली, यदि आप सिंगरौली में जाएंगे 1970 में पहले से ये एक ही इतिहास वहां पर बड़ा स्केल में चल रहा है। पहले बाद के बाद कोयला खदान, कोल माइंस के आधार पर पावर प्लांट, बिजली का NTPC से शुरू करके ऐसा रिलायंस, तो ये जो कहानी एक एक जगह में आदिवासी तीन तीन बार उजाड़ा गया है। एक बार बांध बना के बिहार डैम से, एक बार वहाँ जो सिंगरौली में खदान आया है कि जहाँ रिहैबिलिटेट किया गया था वहाँ से, तीसरी बार उनको उजाड़ा गया है जो कोयला बिजली घर आया है। सुनाई दे रहे? तो ये रिलायंस आशान हो, एसआर हो, NTPC हो, कोयला का जो बिजली घर बना है, तो यही इतिहास हसदेव का भी रहा है। मेरा जुड़ाव छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से करीब, और छत्तीसगढ़ का ऊर्जा, क्लाइमेट जस्टिस, एनर्जी जस्टिस, इस तरह का मुद्दा से बाकी देश में अलग अलग जगह के साथ करीब 2012 से है। वहाँ काफ़ी बार विजिट किया, अलग अलग ग्रुपों के साथ अलग अलग चीज़ों में चर्चा हुआ, प्लानिंग हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भी हुआ। हसदेव के बारे में कुछ छोटा छोटा दो तीन बात मैं हाईलाइट करने चाहूँगा, जो लोगों ने ऐसे बताया कि हसदेव की लड़ाई हमारा भी लड़ाई है। जो यहाँ यंग लोग बैठे हैं और बाकी जो नॉट सो यंग जो हम लोग हैं, हम लोगों का भी लड़ाई है, लेकिन हमसे ज़्यादा जो यूथ है, जो आने वाले दिनों में जिनको हाथ में इस पूरी धरती को एटलीस्ट कम से कम अपना रीजियन को चलाने का जिम्मा रहेगा। हाथियों का पूरा क्षेत्र, जो कोयला का जो क्षेत्र है वो करीब 1,70,000 हेक्टर है, और उसमें 23 कोल ब्लॉक है, जिसमें टोटल जो कोयला है एस्टिमेटेड अनुमान लगाया गया है जो एक साइंटिफिक ढंग से, वो है लगभग 1.4 बिलियन टन, मतलब 140 करोड़ टन। और आप लोग यदि देखे होंगे 2-2.5 साल पहले द गार्डियन पत्रिका में एक ग्लोबल स्टडी निकला था, उसमें हमारा साथी कुछ लोग उसमें वो रिसर्च किए थे, तो हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइमेट जस्टिस ग्रुप्स है उसमें कुछ साथी उसमें काम किए थे। तो पूरी दुनिया में जो 493 जिसको हम कार्बन बॉम्ब बोलते हैं, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 100 करोड़ टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का पोटेंशियल है, तो हसदेव का जो कोल फील्ड है वो उससे काफ़ी बड़ा है। मतलब दुनिया में जो कुछ चुनिंदा कार्बन बम को आइडेंटिफाई किया गया है, हसदेव इज वन ऑफ दैट कार्बन बम। मतलब हसदेव जैसे यदि उसके जंगल काटने के बाद वहाँ का कोयला निकाला जाए पूरा और जलाया जाए, तो सिर्फ उससे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी तो छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इतना उत्सर्जन होगा जो आपको क्लाइमेट सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, पूरी दुनिया का क्लाइमेट सिस्टम को बिगाड़ने के लिए ऐसे कुछ कार्बन बम काफ़ी है। और पूरी दुनिया में इसके ऊपर अभी काफ़ी चिंता है, जो ये कार्बन बम छोटे छोटे प्रोजेक्ट के बात में नहीं करना, ऐसे बहुत है। तो हसदेव का एक स्पेशलिटी है इसको बचाना, क्योंकि सिर्फ हसदेव का जंगल का नीचे इतनी कोयला है, और जिसका पीछे कॉरपोरेट का लोभ, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉरपोरेट का नहीं, राज्य सरकार का भी लोभ है। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य सरकार, जैसे हमारे साथी अभी बोले, इसके पहले कांग्रेस था, अभी BJP है, फर्क एक होता है। कुछ सरकार के साथ आप लड़के झगड़ के बात कर सकते हैं, और कुछ सरकार आपसे बात करती नहीं, आपको आप जितने भी उनके सामने ले जाए वो आपको सुनता ही नहीं है, वो फर्क को हमें समझना जरूरी है। ऐसे ब्रॉड ब्रश सबको एक करना ठीक नहीं है। ये कांग्रेस सरकार के साथ भी हमारा लड़ाई था, अभी इस सरकार के लड़ाई का रूप बदल गया, क्योंकि यहाँ रिसेप्टिविटी बिल्कुल नहीं है। आप एकदम पॉप पॉलिसी लेवल नीति आयोग में जाइए, जब 2017 में देश का ऊर्जा नीति का ड्राफ्ट लाए थे, हम लोग उसके ऊपर क्रिटिक बना के उसके ऊपर चर्चा करके उनको सबमिट किया, बात किया, लेकिन दैट वेंट इनटू ए ब्लैक होल। तो ये जो स्थिति है,
कि लोगों की आवाज, लोगों का साथ काम करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनके सबमिशन सबको एकदम 100% नजरअंदाज करेंगे, और कुछ चुनिंदा उनका जो क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स है जैसे अदानी अंबानी जैसे, सारे कॉरपोरेट तो इक्वली बेनिफिटेड नहीं हो रहे, तो इनको हाथ में, जैसे एक टाइम था बोलते थे कि आप मैप में जंगल का मैप में जहाँ कोयला है, जहाँ कॉपर है, जहाँ मैंगनीज है, आप उंगली रखो वो आपको दे दिया जाएगा। तो उस स्थिति आज पहुंच गया है। तो यहाँ हमें एक चीज समझना पड़ेगा, ये जो लड़ाई है, सरकार चाहती है हसदेव का लड़ाई हसदेव में रहे, सिंगरौली की लड़ाई सिंगरौली की लड़ाई सिंगरौली में रहे, थूथुकुडी का जो लड़ाई है सरलाइट के जिला को उभर रहे, क्योंकि दुनिया ने इसको जो सप्रेस करने वाले लूटने वाले, ये सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी दुनिया में जो करने वाले वो अपन आपस में वो आदान प्रदान करते हैं, आपस में उनको कोलाबोरेशन। आप देखेंगे जो फाइनेंस आते हैं, जो पैसा आते हैं, इतनी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी पैसा आते हैं, और देश का जो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक आज काफी चर्चा में है, लेकिन इससे पहले से भी चर्चा में है, क्योंकि स्टेट बैंक, LIC, भारत का कोयला प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स में ये है। तो भारत का जनता का पैसा से शुरू करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो IFI जिसको बोला जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये पूरा एक चेन बना हुआ है, जहां भी इस ढंग का प्राकृतिक संपद जो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए मिलेगा व आइडेंटिफाइड होगा, वहां से जो आदिवासी है, जहां यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, यही काम दुनिया में बहुत जगह में अलग अलग देशों में जो इंडिजिनियस पीपल और बाकी रूरल एरिया से काम हो रहा है। लेकिन साथ में और एक चीज हाईलाइट करूंगा, ये सिर्फ जो लोगों ने बोला, ये सिर्फ जंगल काटने का प्लान नहीं है, मतलब सरकार का कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है जंगल काट दो एक तो, और इसके पीछे एक झूठ का भी मैंने थोड़ा सा 2-3 मिनट में तोड़फोड़ करना चाहूंगा। सरकार को बोलना है कोयला प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। यदि भारत सरकार का आंकड़ा देखे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, कोयला मंत्रालय का आंकड़ा देखे, भारत में जितनी कोयला खदान आज चल रहा है वो करीब 55-65% कैपेसिटी में चल रहा है। मतलब भारत में आज के 870 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन होता है सालाना। यदि जो एग्जिस्टिंग कोल माइंस को प्रॉपर्ली चलाया जाए, उसके मतलब कोल अच्छा है ऐसे नहीं है, लेकिन नया जगह में यदि जाके ना काट के एग्जिस्टिंग कोल माइंस को सही चलाया जाए, तो भारत में आज एक भी नया कोयला खदान का जरूरत नहीं है। और भारत सरकार बार बार झूठ तो बोले गए, सिर्फ देश में नहीं बाहर में भी, जिन्होंने थोड़ा जिक्र किया, ग्लासगो क्लाइमेट कॉप में 2 साल पहले भारत सरकार, उसके पहले से भारत सरकार का स्टेटमेंट था, भारत में नेट डिफोरेस्टेशन रेट 0 है। तो हसदेव में कट नहीं रहे जंगल, बाकी जगह में सिंगरौली में जंगल कट नहीं रहे, नेट डिफोरेस्टेशन रेट 0 है। ये एक बड़ा झूठ है जिसने, जिसको जिक्र इन्होंने किया वो थोड़ा सा करेक्ट नहीं है। भारत सरकार कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे ना तो अपने एमिशन कम करने के लिए बोला है, ना अपना जंगल कम काटना कम करूंगा तो जंगल बढ़ाऊंगा इसका नेट बोला है, खाली पेरिस एग्रीमेंट के टाइम जो नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन प्लान जो दिया था उसमें उन्होंने बोला था 250 करोड़ से 300 करोड़ टन एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे 2016 से 2030। उसके बाद उसको कोई जिक्र नहीं किया। ग्लासगो में जब ग्लोबल डिफोरेस्टेशन प्लेज सब देश का सामने आया था, मतलब 2030 तक पूरी दुनिया में डिफोरेस्टेशन को खत्म कर दिया जाएगा, कहीं भी कहीं जंगल नहीं काटेगा, भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, रिफ्यूज टू साइन ऑन दैट। जब जंगल का प्रोडक्ट लकड़ी काट के इंटरनेशनल ट्रेड का बात आया, भारत सरकार उसको जिक्र करके डिफोरेस्टेशन प्लेज साइन नहीं किया। तो सरकार का तो दोहरा आप कितना बोलेंगे, मल्टीपल लोग एक एक जगह में एक एक चीज उन्होंने बोला है और कंटिन्यूअसली झूठ बोलते हैं। ये सरकार का तो झूठ बोलना मेरे ख्याल में सीरियल लायर्स जिसको बोलते हैं ये हो चुका है। लेकिन हमें स्ट्रेटेजी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यदि हमें हसदेव जंगल जैसे, हसदेव अरण जंगल जैसे जंगल को बचाना है, जो
सरकारी इंस्टीट्यूशन का हिसाब से भारत में सेंट्रल इंडिया में, पूरी देश में नहीं है, सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा कंटिन्यूअस जो अनब्रोकन फॉरेस्ट है और हैबिटेट है, जो एलिफेंट कॉरिडोर भी है, अनब्रोकन हैबिटेट है। यदि बचाना है तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ हसदेव का छत्तीसगढ़ में बंद नहीं रहेगा, ये स्ट्रैटेजी अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ स्टेट्स, जो राज्य है उसका बॉर्डर, और सॉलिडरिटी का रूप में ये और बड़ा स्तर पे जाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति, हर एक ग्रुप इसके लिए अपना रोल अदा कर सकते हैं। और ये लड़ाई फिर से बोल रहा हूँ, जो पर्टिकुलरली जो यंग पीपल है, यूथ है, हमारा जैसे थोड़ा सा ओल्डर पीपल का तो शायद देखते देखते गुजर जाएगा जो क्लाइमेट सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, लेकिन जो यंग पीपल है उनके सामने बहुत खतरनाक स्थिति आने वाले है। जो 1.5 डिग्री 2 डिग्री बात किया, आप यदि स्टडी देखेंगे इस दशक का अंत तक 1.5 डिग्री हम क्रॉस करेंगे, दिस आर गिवन, इसमें कोई संदेह नहीं है, दिस आर एनीबॉडी हु अंडरस्टैंड क्लाइमेट साइंस नोज दिस। लेकिन यदि हमें इसको प्रिवेंट करना है, यदि एक हैबिटेबल आर्थ जहाँ रीजनेबल, और सिर्फ इससे क्लाइमेट मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, आज किसानों के ऊपर इसका असर बहुत पड़ रहा है। भारत में पिछले साल 270 दिन हीटवेव डेज किया, जो मजदूर काम करते हैं, शहर में भी काम करते हैं, भारत में 6 करोड़ के ऊपर 6 से 7 करोड़ निर्माण मजदूर है, 3.5 से 4 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स है, 4 से 5 करोड़ पोर्टर्स, एक्स्ट्रा पुलर्स ऐसे है, और ये शहर में गर्मी में काम करते हैं। तो यदि इस ढंग का मैसिव हीटवेव जो हो रहा है, अर्बन फ्लडिंग पड़ गया है, एग्रीकल्चर खेती के ऊपर भयंकर असर पड़ रहा है, तो 2022 में हमें गेहूं का प्रोडक्शन कोलैप्स करने में देख चुका है। तो इसको यदि बचाना है, ये सबको समझना पड़ेगा, ये हसदेव अरण बचाने का लड़ाई, सिंगरौली के जंगल बचाने का लड़ाई, वा सिक्किम हो, उत्तराखंड व हिमाचल, जहाँ एक के बाद एक बड़े बांध, जैसे दिल्ली को पानी देने के लिए हिमाचल में रेणुका बांध बनाने का प्लान और काम चल रहा है, जिसमें 13 लाख पेड़ डूब जाएगा। तो ये जो, और ये एक बांस की बात है, रेणुका डैम एक छोटा सा डैम है, ऐसे बहुत सारे बड़ा डैम, करीब 156 बड़ा डैम का काम सरकार पुश कर रही है, सारे काम शुरू नहीं है लेकिन काम चल रहा है। तो ये जो लड़ाई है, हर जगह में लड़ाई चल रहा है, लोग अपना आजीविका बचाने के लिए, अपना जमीन बचाने के लिए, घर बचाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये लड़ाई सिर्फ इनका घर जमीन और आजीविका का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारा अपना फ्यूचर को सिक्योर करना, हमारा बच्चे को, आज के दिन में यूथ को, आने वाले पीढ़ियों को एक रीजनेबल धरती में जीने का अधिकार का संभावना रहेगा, तभी यदि इसको बड़े स्केल में हम बंद कर पाए। और इसके लिए हमें, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए माफी मांगता हूँ, इसके लिए स्ट्रैटेजी के ऊपर जोर हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ना कि हम सिर्फ अपना कहानी सिर्फ रिपीट करें, उसके आगे जाके कैसे हमें इसको रोकना पड़ेगा, इस सरकार का जमाना में भी कैसे रोका जाए। ऐसे नहीं है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं है इस सरकार के सामने रोका नहीं जाएगा। हम लोगों ने आज से, अभी 2024 है, 2016 में इसी प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्रित्व है, आज के दिन में सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन का कॉरपोरेट घराना अदानी, उनका 3000 मेगावाट कोयला पावर प्लांट का प्रपोजल गुजरात में हमने रोका है, और 2016 का मई से अभी तक वो नहीं बना है। तो रोका जा सकते हैं यदि हम स्ट्रैटेजी ठीक बनाए, यदि हम सॉलिडरिटी नेटवर्क को बड़ा करें, यदि हम अपना लिमिट से बाहर जाके ढूंढे कहाँ कौन समर्थन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लिवरेजिंग पॉइंट कहाँ है, कहाँ, जैसे इस सरकार का लिवरेजिंग पॉइंट काफी जगह में है, देश में भी है, बाहर में भी है, ये काफी सेंसिटिव है कुछ जगह में बदनामी का, तो इस ढंग का स्ट्रेटेजी भी लेने का, प्लान करने का और लेने का जरूरत है। और हसदेव का साथी को मैं बधाई देना चाहूंगा, लास्ट 7 साल में जो यूथ फॉर हसदेव दिल्ली से है व शहर से है, ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी ये समझ उनको आया है, लेकिन इन समझ के साथ आगे बढ़ के आप कैसे इस लड़ाई को स्ट्रेटेजाइज कर सके, क्योंकि आपके सामने, हमारे सामने एक
हम एक एडवांटेजियस पोजीशन में है कि कल आके आपको घर में जैसे आपको उठा के फेंक देंगे वो बहुत आसान नहीं है। दिल्ली में करेंगे होता है, लेकिन दिल्ली में करेंगे तो हल्ला ज्यादा होता है। हसदेव का कहीं जंगल का सिंगरौली में या कहीं और जगह करेंगे तो हल्ला इतना ज्यादा नहीं होता है, यहाँ का मीडिया का लोगों को पता भी नहीं चलता। तो वो रोल अदा करने के लिए क्लियर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, कैसे काम करेंगे, क्या लीवरेजिंग पॉइंट यूज करेंगे, वो रोल आपको क्या होगा, हम लोगों को क्या होगा, इनके साथ इनके क्या इनपुट चाहिए और इनको कैसे जोड़ा जाएगा, ये सारे चीज को देख के तभी हमें अगला स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। और फिर से सबको बधाई देके मैं खत्म करता हूँ। जिंदाबाद।